खाद मिलने में जी सुबह 7 बजे लाइन में खड़े थे, कम से कम 100 आदमी लग रहा था। सारे ही नहीं खड़े थे, नंबर पड़ा नहीं, आखिरकार खाली रह गए। तो क्या कह रहे हैं खाद देने में, क्या खाद गाड़ी खत्म हो गया, खाद दोबारा आएगा फिर देंगे। पर्ची कट रही है आपकी? कुछ आदमी नहीं, हमारी पर्ची भी निकट रही है, 2-4 आदमी रह गए जो जिनके पास पर्ची है और उनको खाद नहीं मिला। दोबारा गाड़ी आ जाए या कल आए तब मिलेगा। आपकी क्या दिक्कत हो रही है पर्ची कटने के बाद भी खाद नहीं मिली? लाइन में लग रहे थे जी 1 घंटे से, तड़की 7:30 बजे दार फिर पर्ची कटी थे, कहने लगे खार नहीं है, कोई बीज कटे ले कोई। तो ये कट्टे जो इनको खार मिला किसको दिया है? ये खार अपना जो है इनके स्टाफ को नहीं देते रहे, पर्ची अंदर से पर्ची कटती, अंदर से पर्ची जो लाइन में खड़े थे जो लाइन में खड़े उनको 2-2 कट्टे की दी और बाकी जा रही है जी। हमें ना सुबह से 7 बजे से लाइन में खड़े हैं, अपना आधार कार्ड खड़े हैं यहाँ पर ना खिड़की के पास, जो भी ना शटर के नीचे से बढ़कर ना 10-10 कट्टा ही पर्ची कटवा लेते हैं, और जो ये है ना जो लाइन में खड़े उनको एक भी कट्टा नहीं मिला। ये देखो ये आधार कार्ड लिया, सुबह से मैं लाइन में खड़ा हूँ, अभी तक एक भी कट्टा नहीं मिला मेरे को। तो क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं जी खत्म हो गया इनको 10-10 कट्टे दिए हैं नीचे से, आप बता रहे हो पर्ची काट के, उनको कैसे दिए इन्होंने? उनको ये पता नहीं, इनकी कोई जान पहचान के होंगे जी, अंदर से बाढ़ लिए, अंदर से ट्रेन से पर्ची 10-10 20-20 कट्टे।